कार नमस्कार जी, हमारी टीम की तरफ से सभी साथियों का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं हरियाणा में नई वैकेंसियां जो आई हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 के बारे में। तो मोहन जी से हम बात करेंगे। मोहन जी आज आपको बताने वाले हैं इसमें कैटेगरी नंबर। मोहन जी, किस कैटेगरी के बारे में जिक्र करेंगे? हम कैटेगरी नंबर 18 की बातचीत करेंगे दोस्तों, और इसमें जो पोस्ट आई है सब इंस्पेक्टर जी, सब इंस्पेक्टर के लिए आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। फियाज जी आपको बताएंगे इसमें कितनी पोस्ट आई है। जी फियाज जी, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट हैं, तो इसके बारे में ये हरियाणा में पहली बार पोस्ट आई है। इससे पहले इस पोस्ट का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और इसके बारे में जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो बहुत पोस्ट हैं, 409 पोस्ट हैं। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसमें आएंगे, 409 पोस्ट की प्रिपरेशन करेंगे इसकी अगर आप, तो काफ़ी तरक्की कर जाएंगे इसमें। और एज की बात दोस्तों, इसमें हम जानना चाहेंगे इस फॉर्म भरने के लिए एज कितनी चाहिए, एज के बारे में हम जानना चाहेंगे। मोहन जी आप बताइएगा, एज कितनी चाहिएगी इस एग्ज़ाम के लिए? प्यारे साथियों, इसमें एज चाहिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42। इसके साथ में OBC या BCB, BCA, EWS को छूट नहीं है, फिर पर हम ये कह सकते हैं SC वालों को छूट है। इसके साथ में एक्स सर्विसमैन को छूट है, यानी हम ये कह सकते हैं 18 से 42 जनरल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में जो छूट प्रावधान हरियाणा सरकार रखती है वो आपका रहेगा। यहाँ पर अब हम जानना चाहेंगे दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में, कि इस एग्ज़ाम के लिए, इस पोस्ट के लिए की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। जी फियाज जी बताइएगा, इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी इसके लिए, वो ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसमें चाहे आप BA, BSc, BCom, BTech कुछ भी हो, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक मामला है प्रेफरेंस का। इसमें उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास 1 साल का कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्सपीरियंस है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, बट केवल प्रेफरेंस का मामला है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी इसके बारे में सिलेबस के बारे में सर बताएंगे आपको। जी, सिलेबस के बारे में भी जानना चाहेंगे, और साथियों हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए, इस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो कितने मार्क्स का रहेगा। तो मार्क्स और सिलेबस हम मोहन जी से चर्चा करना चाहेंगे। मोहन जी बताइएगा। प्यारे साथियों, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न सेम रहेगा जैसा कि HSSC रखता है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा GK और नेशनल GK के साथ में करंट का हिस्सा होगा, जिसमें हरियाणा GK लगभग 20 नंबर के आसपास, मैं हिंदी और इंग्लिश 8-8 क्वेश्चन के आसपास, इसके साथ में रीजनिंग 8-10 क्वेश्चन, मैथ 10-12 क्वेश्चन, इसके साथ में हमारे पास में साइंस और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, और नेशनल GK का 8-10 क्वेश्चन का पार्ट हमेशा रहता है। प्यारे बच्चों, मैं ये भी बताना चाहूँगा, यह वैकेंसी पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। यह वैकेंसी दोनों के लिए है, पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए ही है। हमारी पिछली वीडियो में जो वैकेंसी थी महिला सुपरवाइज़र, वो केवल महिलाओं के लिए थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी टीम का और आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, अभी आज आप सभी के लिए एक खुशखबरी और है कि अभी आरोही स्कूल के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। तो मोहन जी से इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। मोहन जी, इसके बारे में आप बता दीजिएगा एक बार। प्यारे साथियों, 28 और 29 तारीख सितंबर 2019 में आरोही द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं, जिसमें प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT, लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन, क्लर्क और यहां पर अकाउंट क्लर्क की पोस्ट है। इसका एग्ज़ाम 28 और 29 तारीख को किया जाएगा। 29 तारीख की शाम को हम इसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में या एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आप विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप 29 तारीख की शाम को आप हमेशा हमेशा देखें हमें, और हम वहाँ पर विश्लेषण करेंगे आरोही स्कूल में क्या कट ऑफ जा सकती है। लीजिए वरुण साहब, धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद मेरी पूरी टीम का और आप सभी साथियों का। जय हो, जय हो, जै हो।